हमारे चैनल एजो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अला आलिही व सहबिही अजमाइन। जब से मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को हुकूमत दी, उसी में से इमरान ख़ान भी हैं जिनको अल्लाह ने हुकूमत दी है। और पिछले पाकिस्तान की तारीख में कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं गुज़रा जिसने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की हो, ये तमन्ना की हो, ये इरादा किया हो। इरादा तो बड़ी बात है, सिर्फ ख्वाहिश ही ज़ाहिर की हो कि हम पाकिस्तान को मदीना वाली फलाही रियासत बनाएंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म पहले शख्स हैं जिन्होंने पहली तकरीर में इस नज़रिए को पेश किया। तो मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम से कि हम सब इस बंदे की पूरी पूरी मदद करें, दुआ के साथ, तआवुन के साथ, कि मदीने की रियासत का जो भी तसव्वुर पेश करेगा हम उसके ग़ुलाम होंगे। और हम सिर्फ उसे सलाम नहीं करेंगे, उसके होंठों को चूमेंगे जिससे उसने मदीने की रियासत का तसव्वुर पेश किया। और ख़ान साहब, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत दे, ये हमेशा अपनी कुव्वत इरादी में बड़े पक्के रहे। मैं इनकी क्रिकेट का फ़ैन हूँ, रहा हूँ, अब तो छोड़ गए। एक बहुत एतराज़ ये होता है कि इनके पास तो टीम ही कोई नहीं, तो ये फलाही रियासत कहाँ से आएगी। 92 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता तो सिर्फ इस एक शख्स का आज़म था कि मुझे वर्ल्ड कप जीतना है। टीम तो बहुत कमज़ोर थी, गिरते पड़ते फाइनल में पहुंची। फिर उसके बाद इतने बड़े हॉस्पिटल, अरबों का मंसूबा, जेब में 4 आने भी नहीं, लेकिन आज़म किया, इरादा किया, अल्लाह ने उसे खड़ा करके दिखा दिया। फिर ये 22 साल पहले सियासत में आए, ये तनहा थे, अल्लाह ने इनकी कुव्वत इरादी, मेहनत वज़ीर आज़म बनाया। अब ये एक ख़ूबसूरत ख्वाब देख रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, और मुखलिस हैं। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद नहीं, यकीन है 100% कि ये इंतहाई दयानंदार, इंतहाई मुखलिस हैं। हमें इनका साथ देना है। हम इनका साथ कैसे दें कि हम भी शुरू हो जाएं कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, मिलावट नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, किसी पर ज़्यादती नहीं करेंगे। ये हमारा साथ है, यही तो फलाही रियासत ही मदीना की, सच्चाई पर, मोहब्बत पर, रास्तबाजी पर, इसार पर, क़ुरबानी पर, ये हमारा साथ। हम उनको सियासी रंग न दें बल्कि हम इसको एक दीनी फरीज़ा समझ कर अदा करें। फिर एक और चीज़ जिसमें वो मुनफरिद मुझे नज़र आए कि इतने वज़ीर आज़म आए, इमरान ख़ान साहब भी वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ ख़वातीन अव्वल भी बहुत सारी आईं। ये पहली ख़ातून अव्वल हैं जो पूरे इस्लामी हिजाब में हैं, नकाब में हैं, पर्दे में हैं। पूरे मेरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए उनकी ज़िंदगी एक पैगाम है कि इतने बड़े मनसब पर भी पर्दे किया जा सकता है। ये भी वो इन दो चीज़ों में वो अपनी मिसाल आप हैं। हम सब उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए और उन्हें हर शर से बचाए। अस्सलामु अलैकुम।